राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। लालू यादव के कथित तौर पर वायरल ऑडियो ने बिहार में सियासी घमासान मचा रखा है। अब इसे लेकर ही लालू यादव को न सिर्फ एक केली बंगले से रिम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, बल्कि अब उनके ऑडियो की जाँच के लिए उस क्लिप को फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। इसके अलावा लालू यादव के लापता सेवेदार इरफान अंसारी की तलाशी में पुलिस छापेमारी कर रही है। लालू यादव का कथित ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद से ही इरफान अंसारी लापता है। इस क्लिप में इरफान अंसारी की आवाज़ को सुना जा सकता है, जिसमें इरफान अंसारी बीजेपी एमएलए ललन पासवान के पीए को कह रहा है कि वो विधायक की बात लालू यादव से करवाए। रांची पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लालू की आवाज़ को जाँच के लिए तो भेजा ही जाएगा, साथ ही इस मामले में इरफान अंसारी से भी पूछताछ जरूरी है। बता दें कि बीजेपी एमएलए ललन पासवान के मोबाइल में इरफान अंसारी के मोबाइल से ही कॉल किया गया था। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इस नंबर को जारी किया था। राष्ट्रीय जनता दल ने इस क्लिप में लालू यादव की कथित आवाज़ को फर्जी बताया है और कहा है कि इस क्लिप में लालू यादव की आवाज़ की नकल की गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि इरफान अंसारी की आवाज़ की नकल कौन उतारेगा, जबकि उसकी आवाज़ को तो ना कोई जानता है ना पहचानता है। प्रदीप सिन्हा ने कहा कि अगर इरफान अंसारी को पकड़ा जाता है और पूछताछ की जाती है तो सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। बता दें कि इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद से ही जेल में लालू यादव का सेवेदार इरफान अंसारी लापता है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।